इसके हाथ में बांसुरी कहां से आ गई? हो गया विश्राम, थकान पूरी हो गई। सारथी हूं, रथी की थकान को दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। कैसा अनुभव हुआ? अद्भुत, दिव्य, एक नई ऊर्जा अनुभव कर रहा हूं। मन में शांति है, संतोष है, आनंद है। जब मन शांत है, संतुष्ट है, तो क्या अब भी युद्ध करना चाहते हो या वापस अंग चलना है? मेरे लिए शांति और संतोष मेरे कर्तव्य पालन में है, मेरे वचन पालन में है। और इस समय मेरा कर्तव्य और वचन मुझे जरासंध की सहायता के लिए पुकार रहे हैं। प्रस्थान करो नटवर। जैसी महारथी की इच्छा। आइए। अच्छा, वर्णावर्तवासी माता कुंती का सत्कार करना चाहते हैं? जी। संदेश में कुछ ऐसा ही लिखा है, हम वारणावर्तवासी युवराज माता कुंती का मातृत्व प्रतीक के रूप में सत्कार करने की अभिलाषा रखते हैं। महाराज ये सौभाग्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। बहुत ही सुंदर विचार है। वास्तविकता में भ्राता पांडु की भार्य इस सम्मान की अधिकारिणी है भी। वो तो ठीक है ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु एक बात समझ नहीं आई। ये निमंत्रण तुम्हें क्यों भेजा गया दुर्योधन?
जयेश पिताश्री या युवराज क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैंने पुरोचन को बुलावा भिजवाया था। पुरोचन वर्णावत से आ रहे थे तो वो संदेश ले आए, मैं पहले मिल गया तो मुझे दे दिया संदेश। महान वास्तुकार पुरोचन को निमंत्रण क्यों दिया दुर्योधन? ऐसी कौन सी नई इमारत का निर्माण करवा रहे हो? नहीं वो क्या है कि अब कोई लाभ नहीं मेरे होने वाले सम्राट, कोई लाभ नहीं। चतुर भीम ने तुम्हें पकड़ ही लिया है। बात यह है भीम कि दुर्योधन अपने ज्येष्ठ भ्राता को भेंट देने के लिए एक सुंदर महल का निर्माण करवा रहा है। और इस विषय में महाराज श्री को भी ज्ञात है। तुम ज्येष्ठ भ्राता श्री को भेंट दे रहे हो? वो क्या है ना भीम की, बचपन से हम प्रतिस्पर्धी रहे, परंतु अब तो भ्राता युधिष्ठिर युवराज बन चुके हैं तो स्पर्धा समाप्त हुई। क्यों ना बैर भाव भुलाकर एक नया प्रारंभ किया जाए? यदि ऐसा है तो मुझे अपने अनुज की भेंट सहर्ष स्वीकार है। भाइयों के मध्य ये प्रेम मेरे आनंद का कारण बन रहा है, तो पांडु पुत्र और युवराज माता कुंती कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। प्रबंध किया जाए विदुर। कब तक पहुंच पाएंगे हम? मार्ग का क्या भरोसा अंगराज, कदाचित कल प्रातः तक या मध्यांक तक या फिर संध्या भी हो सकती है। नहीं, हमें शीघ्र पहुंचना होगा, युद्ध प्रातःकाल प्रारंभ होने वाला है। योद्धा का युद्ध और मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्म के हाथों में होता है वीर। यदि इतनी ही शीघ्रता थी तो जलधारा के सामने इतना समय क्यों व्यर्थ किया? चला देते बाण, सुखा देते नदी को, मर जाने देते सारे जीव जंतुओं को। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि निर्दोषों का वध मुझे स्वीकार नहीं। यदि कोई लक्ष्य बिना रक्तपात के प्राप्त किया जा सके तो प्रयास अवश्य करना चाहिए। अरे अचानक ये क्या, वन इतना घना क्यों हो गया? ये कैसे संभव है? यही तो मुझे भी आश्चर्यचकित कर रहा है। कल तक तो ये मार्ग ऐसा नहीं था। एक दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया? मैं देख कर आता कि कहीं हम मार्ग तो नहीं भटक गए। अवश्य। अंगराज,
अंगराज, रक्षा करो, मैं आपका सारथी हूं, मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है अंगराज, रक्षा करो अंगराज, ये सर मेरे प्राण ले लेगा अंगराज, अंगराज सहायता करो अंगराज, अंगराज अंगराज, अंगराज ये सर्प अपनी कुंडली कसता जा रहा है अंगराज, अंगराज सहायता, जलधारा के जीवों को नहीं मारा परंतु इस सर्प का वध कर दिया, क्यों? तुम जीवित रहना नहीं चाहते क्या? निसंदेह, परंतु वो सर्प भी जीवित रहना चाहता होगा अंगराज। मेरा तात्पर्य यह है, अभी कुछ ही देर पहले रक्तपात से बचने वाले, शांति और अहिंसा का समर्थक होने वाले अंगराज इस समय भिन्न व्यवहार क्यों किया? क्यों उस सर्प का वध कर दिया? क्यों अशांति की? क्योंकि परिस्थितियां भिन्न थी। हां, मैंने उस सर्प को मारा क्योंकि उसने तुम पर आक्रमण किया। शांति भंग उस सर्प ने की, मैंने नहीं। अब आपकी शंका दूर हो गई हो तो चले अंगराज। शंका तो तुमने प्रस्तुत की है परंतु समाधान तो आपके लिए है अंगराज। वास्तविक शांति और मिथ्या शांति में अंतर कर पाने की योग्यता, दृष्टिगत से परे देख सकने की क्षमता जो तुम में है, वो हर मनुष्य में नहीं होती। मैं प्रभावित हुआ। यह अचानक रथ क्यों रोक दिया? निद्रा का अनुभव हो रहा है अंगराज। तो यहां मेरे स्थान पर आने का कष्ट कीजिए, रथ मैं स्वयं चला लूंगा। मैंने कहा कि निद्रा का अनुभव हो रहा है, ये नहीं कि सोना है। हाँ, तनिक कुछ खा लूंगा तो स्फूर्ति अवश्य आ जाएगी। कहां से आ गया? आपके मन का ये प्रश्न भी मैंने पढ़ लिया अंगराज। यात्रा कितनी लंबी होने वाली है ये यात्री कहाँ जानता है, इसीलिए ऐसे समय के लिए ये माखन मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये मुझे
ऊर्जा और स्फूर्ति देता है और साथ साथ मन भी सचेत रखता है। खाओगे? खा लो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो खा लेता। कहा था ना, स्फूर्ति मिलेगी। थोड़ा और मिलेगा? हाँ, ये केवल मेरा है, परंतु आप सहयात्री हो इसलिए बांट लेता हूं। कभी सुना है आपने कि माखन और दूध में शत्रुता हुई है? इस बात का क्या तात्पर्य है मैं समझा नहीं, क्या पूछना चाहते हैं? यही कि वासुदेव कृष्ण से युद्ध करने क्यों जा रहे हो? यही कि वासुदेव कृष्ण से युद्ध करने क्यों जा रहे हो? जबकि समान गुण वालों को मित्र होना चाहिए। अच्छा, हम दोनों में क्या समानता है बताओ? एक बालक जिसको जन्म किसी और ने दिया, पाला किसी और, जो बालपन से ही अन्याय और अधर्म से लड़ता आया हो, जिसका लक्ष्य अन्याय का नाश है, जिसने प्रेम किसी से किया और विवाह किसी और से करना पड़ा, और अब धर्म संस्थापन के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। अब आप ही बताओ, क्या ये समानताएं नहीं है? कुछ असमानताएं भी हैं हमारे बीच। कैसी असमानताएं अंगराज? कृष्ण को जन्म किसी और ने दिया और पाला किसी और ने, परंतु मुझे मेरे सगे माता पिता ने पाला है। निसंदेह, परंतु लक्ष्य दोनों का समान है, इसीलिए इस यात्रा में एक दूसरे का सहायक होना चाहिए, विरोधी नहीं। कदाचित हम दोनों एक ही पक्ष में होते हैं। यदि मैं जरासंध को वचन नहीं देता कि मैं कृष्ण के विरुद्ध उनकी सहायता करूंगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन दिया है या कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने का अंगराज? मैं समझा नहीं। जिस प्रकार आंगन में बीज बोने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उससे फल मिलेगा या काटे, उसी भांति वचन देने से पहले सावधान रहना चाहिए। वचन ऐसा अश्व है जिसे समझ की रस्सी से ना बांधा जाए तो अनियंत्रित होकर अपने सवार को हानि पहुंचा सकता है। क्या आप जानते थे कि जरासंध वचन में आपसे कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने की मांग रखेंगे? मैंने अपना कार्य पूरा किया अंगराज, आपको समय पर युद्ध क्षेत्र पहुंचा दिया मैं।
आवश्यक भी था, क्योंकि हम दोनों के यहां आने से पूर्व युद्ध प्रारंभ नहीं हो सकता था। तो आपको लगता है कि जरासंध आपके बिना युद्ध नहीं करेगा? मेरे बिना जरासंध युद्ध प्रारंभ कर सकता है, परंतु परंतु क्या कहे दीजिए अंगराज। कहने की आवश्यकता नहीं, सारथी हैं आप, सचेत भी हैं, तो अपने रथी का मन पढ़ लीजिए। सारथी का कार्य पूर्ण हुआ, परंतु रथी की तीसरी परीक्षा अभी शेष है। तीसरी परीक्षा? ये क्या कह रहे हैं आप अंगराज? वही जो आप ना समझने का अभिनय कर रहे हैं।